गुड़िया अपने भाई भोलू और उसकी पत्नी रंभा के घर रहा करती थी। भोलू की अभी नई नई शादी हुई थी और रंभा बहुत ही दुष्ट और चालाक स्वभाव की थी। एक दिन रंभा भोलू से अकेले में कुछ बात कर रही थी। अरे जी, ऐसा कब तक चलता रहेगा? कहना क्या चाहती हो रंभा? आपका तो कुछ समझ में ही नहीं आता है, रहने ही दीजिए आप तो अब। अरे बोलो तो, तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ रंभा। अच्छा, कुछ भी? हाँ बाबा, कुछ भी। तो अपनी बहन का कुछ करिए। मुझे क्या इसीलिए यहाँ पर ब्याह कर लाए थे कि आपकी बहन की चाकरी करती रहूं? अरे रंभा, पर गुड़िया दीदी तुमसे ज्यादा काम करती हैं। भोलू रंभा का गुस्सा देख उसके कान में जाकर धीमे स्वर में कहता है, तुम शायद ये बात अब तक जानती नहीं हो, पर मेरे पिताजी ने आधी संपत्ति गुड़िया के नाम कर दी थी। उन्हें लगा कि गुड़िया को गोद लिया है तो उसे हक नहीं मिलेगा और दिक्कतें आएंगी। इसी कारण जमीन और संपत्ति पहले ही बांट दी गई थी, तो आधा घर दीदी ही चला रही हैं। इसीलिए उनके बारे में ऐसी बातें मत किया करो। सुनिए, आपने अभी अभी कहा था कि आप कुछ भी करेंगे मेरे लिए, है ना? हाँ, कहा तो था। बताओ क्या चाहिए तुम्हें? ठीक है, बताती हूँ। रंभा भोलू के कानों में कुछ बातें बताती है और भोलू चकित रह जाता है। रंभा एक मुस्कान देती है पर भोलू सोच में पड़ जाता है। कुछ देर बाद भोलू और रंभा गुड़िया के कमरे में जाते हैं। गुड़िया सब्जियां काट रही थी। रंभा मुस्कुराते हुए कहती है, लाइए दीदी, मैं काट दूं। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं काट लूंगी। क्या बात है, आजकल बड़ी खुश दिखाई देती हो रंभा। वो दीदी, दरअसल मैं एक नए बिजनेस की सोच रहा था। रंभा के पिताजी भी शहर में हैं। उन्होंने कहा है कि यदि मैं पूंजी जमा कर दूं, तो वो मेरी मदद करेंगे। अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया बात है भोलू। तो दिक्कत क्या है, बहन को छोड़कर नहीं जाना चाहता क्या? हाँ दीदी, वो भी बात है। और एक और बात है जो वो डर के मारे कह नहीं पा रहे हैं। आप कहें तो मैं बोलूं? गुड़िया भोलू के परेशान चेहरे को देखती है और रंभा से पूछती है, आखिर दिक्कत क्या है, तुम ही बताओ रंभा। दिक्कत ये है कि इनके पास पूंजी पूरी इकट्ठा नहीं हो पा रही है दीदी। इन्होंने सोचा ये अपनी जमीन बेचकर पूरी कर लेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, तो कितने पैसों की कमी हो रही है? अब तक बस आधे ही पैसे जमा हो पाए हैं। मेरे नाम पर भी पिताजी ने उतनी ही जमीन रखी है। उनकी बनाई हुई जमीन बेचना तो मैं नहीं चाहती, पर अगर भोलू के काम आएगी तो मुझे कोई संकोच नहीं है। रंभा सफल होने पर मुस्कुराने लगती है और दोनों पति पत्नी गुड़िया के साइन लेकर कुछ ही दिनों में सारी जमीनें बेच देते हैं। एक हफ्ता बीत गया था और आज सब ट्रेन में बैठकर शहर के लिए निकल पड़ते हैं। शहर तो मैं आज तक नहीं गई, बस पिताजी कहते थे कि किसी दिन ले चलेंगे। हाँ दीदी, इसीलिए तो हम शहर चल रहे हैं। इस तरह से पिताजी की बात भी पूरी हो जाएगी। तुमने मुझे अपने साथ लाकर बहुत अच्छा किया भोलू, मुझे अकेले रहने का बिल्कुल मन नहीं था। अरे दीदी, आपकी वजह से ही तो हम शहर आने के पैसे जुटा पाए और इनके व्यवसाय के भी। इतना तो मैं कर ही सकती हूँ ना रंभा। बातचीत करते करते काफी समय बीत गया और सब एक स्टेशन पर पहुँचते हैं। भोलू रंभा और गुड़िया के साथ एक स्टेशन पर उतरता है। क्या हम शहर आ गए भोलू? हाँ दीदी, हम आ गए हैं। बहुत भूख लग रही है, क्यों रंभा? हाँ, भूख तो लगी है। वहाँ देखो, वो समोसे की दुकान लगती है। मैंने तो बहुत सुना है, मुझे वही खाना है। हाँ ठीक है, आप लाइन में लग जाइए और समोसा ले आइए। ठीक है, जैसा तुम कहो। भोलू और रंभा ट्रेन में जाकर बैठ जाते हैं और गुड़िया समोसा लेने के लिए खड़ी हो जाती है। रंभा, क्या ये सच में सही रहेगा? आप चुप ही रहिए, ऐसे ही छुटकारा मिलेगा। अब शांति से बैठिए और परेशान मत करिए। असल में रंभा और भोलू गुड़िया को वहीं छोड़कर जाने के फिराक में थे, क्योंकि पैसे मिलने के बाद गुड़िया उन्हें बोझ लगने लगी थी। कुछ ही पल में ट्रेन चल पड़ी और गुड़िया अब समोसे लेकर दोनों के लौटने का इंतजार कर रही थी।
पता नहीं दोनों कब आएंगे। समोसे भी ठंडे हो जाएंगे। कोई बात नहीं, आने दो भोलू को, आज खूब डांट लगाऊंगी। बेचारी गुड़िया, जिसने बचपन से भोलू को इतना प्यार दिया, भले भोलू उसका सगा भाई ना हो, आज उसे उसी भोलू ने रेलवे स्टेशन पर अकेला छोड़ दिया। काफी समय बीत गया और अब रात होने आ गई। गुड़िया हड़बड़ा कर उठी और पास ही खड़े स्टेशन मास्टर से पूछने लगी, अरे मास्टर जी, मेरे साथ मेरा भाई और भाभी आए थे। मैं घंटों से उनका इंतजार कर रही हूँ, पर वो अब तक नहीं आए। अच्छा बिटिया, यहाँ कोई घटना तो आज हुई ही नहीं, और मुझे बोलते बुरा लग रहा है, पर शायद वो दोनों तुम्हें अकेला छोड़कर चले गए हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा भोलू कभी ऐसा नहीं करेगा। उसके लिए मैंने ये समोसे खरीद कर रखे थे, पर वो अब तक नहीं आया। बिटिया, मैं कई सालों से यहाँ पर स्टेशन मास्टर हूँ और मैंने कई घटनाएं देखी हैं, पर यदि अगर कोई तुम्हें भूल कर चला गया होता तो अब तक वो यहाँ वापस आकर तुम्हें ले जाता। गुड़िया की आंखों में आंसू आ गए। वो इस बात पर भरोसा ही नहीं कर पा रही थी कि असल में उसके साथ भोलू कभी ऐसा कर भी सकता है। मुझे तो अंदेशा है कि वो दोनों तुम्हें यहाँ छोड़ कर गए हैं। भोलू, रमा। दो दिन बीत गए, गुड़िया ने कुछ नहीं खाया। उसकी हालत बहुत नाजुक हो गई थी। स्टेशन मास्टर ने उसकी ये हालत देखी और उसके लिए भेल पूरी लेकर आए। बिटिया, तुम्हारी ही उम्र की आज मेरी बेटी होती जो बचपन में खो गई थी, मुझसे तुम्हारी दिक्कत देखी नहीं जाती। तुम ऐसा करो कि मेरे घर चलो और ये लो, बहुत ही बढ़िया चीज लाया हूँ, खा कर देखो। मेरा मन नहीं है मास्टर जी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा लो, थोड़ा सा खा लो। मेरी पत्नी बहुत बढ़िया खाना बनाती है, और यहाँ स्टेशन पर यूं बैठे रहना तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। गुड़िया की आंखें अब नम थी और उसे कुछ भी सूझ नहीं रहा था, पर उसने जैसे ही भेल पूरी खाई उसका मन कुछ अच्छा हो गया। अच्छी है। चलो बिटिया, अब घर चलो। मैंने अपनी पत्नी से पहले ही कह रखा था कि वो तुम्हारे लिए कुछ बना कर रखे। गुड़िया स्टेशन मास्टर के घर जाती है। वो उनसे और उनकी पत्नी से कहती है, मैं ये नहीं चाहती कि रोज इस घर में बिना कुछ पैसे दिए खाते रहूं। कृपया मुझे कुछ काम दे दीजिए मास्टर जी। बेटा, स्टेशन पर मेरी एक दुकान है, तुम उसे अपने हिसाब से इस्तेमाल करो और जो बनाकर बेचना चाहो बेचो। हाँ बिटिया, मैं भी तुम्हारा हाथ बटा दूंगी दुकान पर। आखिर दिन में मुझे वैसे भी काम नहीं रहता और घर में अकेलापन लगता है। मुझे बहुत बुरा लग रहा था, पर वो भेलपुरी खाकर मेरा मन कुछ ठीक हुआ। मैं भी वही बेचूंगी। ठीक है बिटिया, हम दोनों का पूरा साथ तुम्हारे साथ है। कुछ दिन बीत चुके थे और गुड़िया की दुकान चल चुकी थी। गुड़िया भेलपुरी एक नए अंदाज में बना रही थी, चटनियों को मिलाकर। आइए चटनी भेलपुरी खाइए, तीखी मीठी जैसी भी खानी है वैसी मिलेगी। लोग कतार लगाकर खड़े थे। कुछ ही दिन हुए थे पर भेलपुरी की दुकान बहुत बढ़िया चलने लगी और स्टेशन मास्टर आए। बस कुछ ही दिन तो हुए हैं और तुम्हारी दुकान बहुत अच्छी चल रही है बिटिया। इसी तरह से चलता रहा तो तुम एक बड़ी व्यापारी बन जाओगी। आप भी पापा। पापा? ये सुनकर स्टेशन मास्टर की आंखों में आंसू आ गए और उन्हें लगा कि गुड़िया ने उन्हें अपने माता पिता के रूप में मान लिया है। तू अब हमारी ही बिटिया है गुड़िया, चाहे जो हो हम तुम्हारा साथ हमेशा देंगे। आप दोनों ऐसे समय पर माता पिता के रूप में मिले जब मुझे सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत थी। आप मेरे लिए ईश्वर से कम नहीं हैं। कई महीने बीत गए और अब गुड़िया के तीन दुकान हो चुके थे उसी स्टेशन पर। और आज कई महीनों बाद एक बड़ी रोचक घटना हुई। भोलू और अंभा गुड़िया की दुकान पर आए। एक भेलपुरी देना। अरे भोलू, तुम? दीदी,
आप यहाँ क्या कर रही हैं? दुकान पर काम दे दिया होगा किसी ने दया खाकर। चलो अब दो भेलपुरी दो। जी अभी लाई। दोनों भेलपुरी लेकर खाते हुए बात करने लगे। चलो अब तो आपको बुरा नहीं लगेगा ना, अब कम से कम इसे कोई काम तो मिल गया है। हाँ चलते हैं। तभी वहाँ स्टेशन मास्टर आते हैं और गुड़िया से कहते हैं, बिटिया तुम्हारी चारों दुकानों का हिसाब आ गया है, और मजे की बात सुनो। वो क्या है पिताजी? इस बार का लाभ लाखों में हुआ है बिटिया। ये सब तो आपका ही है पिताजी, यदि आप न होते तो मेरे पिता के बाद किसी के होने का एहसास ही न होता। लाखों का लाभ आपने सुना? हाँ सुना तो सही रंभा, पर परवर कुछ नहीं, चलिए मेरे साथ। रंभा भोलू को लेकर गुड़िया के पास आ गई। वो दीदी जरा सुनना, हम उस दिन आपको भूलकर आगे चले गए थे और फिर पैसों का इंतजाम ही नहीं हो पाया तो आज यहाँ आ गए हैं, क्यों जी? हाँ दीदी ये सही कह रही है, आप हमारे साथ चलिए। हमें माफ कर दीजिए दीदी, मैं तो कितने दिन से सोई नहीं थी आपकी चिंता में। मैं बहुत खुश हूँ कि आपने अपना व्यवसाय भी बना लिया है। हाँ दीदी बहुत चिंता हो रही थी, आप हमें माफ कर देंगी ना? तुम दोनों? नहीं पिताजी, गैरों से कैसा गुस्सा, और भोलू इसमें माफ करने जैसी कोई बात नहीं है। तुमने जिस भी वजह से मेरे साथ ऐसा किया या किसी की भी बात में आकर ऐसा किया, पर सच यही है कि मास्टर जी से ज्यादा अपना इस दुनिया में और मेरा कोई नहीं है। दीदी सुनिए तो, आशा है आपको भेलपुरी अच्छी लगी होगी, फिर आइएगा। रंभा और भोलू की आवाज उनके गले में ही रह गई। दोनों हताश होकर वहाँ से निकल गए। बिटिया माफ करना, शायद मुझे उन पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था। नहीं पिताजी गलती मेरी थी, पर मैं नहीं चाहती कि आप इन लालची लोगों के मुंह लगे। आप और माँ का बहुत प्यार मिला है मुझे, मैं आपको कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी और इस भेलपुरी की दुकान को और बढ़ाऊंगी। गुड़िया जो किस्मत की ठोकर खाकर ऐसे कगार पर थी कि कभी उबर ही ना पाए, कुछ अच्छे लोगों के सहारे से और खुद पर विश्वास करके आज वो एक व्यापारी बन गई थी और सफलता उसके पीछे भाग रही थी। रेखा अपनी बेटी सानवी के साथ एक छोटे से मकान में रहा करती थी। उसके पति का हाल ही में एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई थी। रेखा का अकेले सानवी को लेकर जीवन व्यतीत करना बहुत मुश्किल हो रहा था। एक दिन रेखा बीमार हो गई तो उसकी बेटी सानवी ने बाहर जाकर काम करने का सोचा। मेरी माँ इतनी बीमार है और घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, मैं ही काम की तलाश करती हूँ। सानवी काम की तलाश करते करते एक होटल में काम करने लग जाती है जहाँ पर उसे लोगों को खाना खिलाना होता है। एक दिन की बात है। ये खाना टेबल नंबर 21 पर पहुँचा क्या? ठीक है साहब, मैं अभी पहुँचा कर आती हूँ। सानवी जैसे ही खाने की प्लेट उठाकर 21 नंबर पर पहुंचती है तो वो किसी चीज से टकरा कर गिर जाती है और उसके हाथ से प्लेट गिर जाती है जिससे रघु को बहुत गुस्सा आता है। देख के नहीं चलती, एक पूरी खाने की प्लेट बिगाड़ कर रख दी, काम धाम तो तुझसे होता नहीं और काम बिगाड़ती है, इस तरह से तो काम नहीं चलेगा। एक काम कर, तू अब तक के सारे पैसे ले और अपना काम कहीं और दे, मैं तुझे काम पर नहीं रख सकता, रोज रोज प्लेट गिरा देती है। नहीं नहीं साहब, मुझे मत निकालो, मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे उनके लिए खाना लेकर जाना है, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। नहीं नहीं, तुम ये पैसे लो और चलती बनो यहाँ से, मुझे और अपना धंधा चौपट नहीं कराना। रघु कुछ पैसे देता है और धक्के मार कर उसे निकाल देता है। सानवी रोती हुई वहाँ से निकल जाती है। इतनी मुश्किल से तो माँ की दवाई के लिए काम मिला था, वो भी अब हाथ से चला गया, अब मैं माँ की दवाई कहाँ से लाऊंगी और घर कैसे चलेगा? धूप तो बहुत तेज हो रही है, अब करूँ तो क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। वो ऐसा सोच कर जा रही थी, रास्ते में उसे एक भिखारी मिलता है जिसके पैर पर चोट लगी होती है, वह लंगड़ा कर चल रहा होता है और सानवी को देख कर उसे रोकता है। बेटा रुको। बोलो बाबा, मैं भला आपकी क्या मदद कर सकती हूँ, मैं तो खुद ही परेशान हूँ। बेटा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे पैर में बेहद चोट लगी है जिसकी वजह से इलाज के लिए भाग रहा हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, अगर कुछ पैसे हैं तो वह मुझे ला कर दे दो। मेरे पास कुछ और तो है नहीं बाबा, ये कुछ पैसे मिले हैं, मैं घर के खाने के लिए कुछ ले जा रही थी, पर
कोई बात नहीं, आपको इसकी ज्यादा जरूरत है। देखो ना कितना खून बह रहा है, ये लो पैसे और अपने पैर की चोट की मरहम पट्टी करा लो। सानवी रघु से मिले सारे पैसे भिखारी को दे देती है, जिससे वह भिखारी बहुत खुश होता है और उसे बहुत दुआएं देता है। बेटा तुमने अपने सारे पैसे मुझे दे दिए जो तुम खाने के लिए ले जाने वाली थी। बहुत नेक लड़की हो, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, पर मेरे पास एक टिफिन है जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। बाबा मैं इस टिफिन का क्या करूँगी भला, अगर घर में खाने के लिए ही नहीं है तो मैं इसमें रखूँगी क्या। बेटा ये तो तुम्हें घर जाकर ही पता चलेगा, तुम मेरे कहने से ये टिफिन रख लो और घर जाकर उसे खोलना। सानवी उस भिखारी से टिफिन ले लेती है और अपने घर की तरफ चल पड़ती है। घर जाकर जब टिफिन खोलकर देखती है तो उसमें एक वड़ा पाव रखा होता है। वह उसे देखकर बहुत खुश होती है कि चलो कुछ तो खाने को मिला। अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है, इस टिफिन में मुझे एक वड़ा पाव मिला, मेरे खाने की समस्या दूर हो गई। एक वड़ा पाव मिला है तो चलो इसमें आधा मैं अपनी मम्मी के लिए रख देती हूँ और आधा मैं खुद खा लेती हूँ। सानवी जैसे ही उस टिफिन को दोबारा खोलती है उसमें एक और वड़ा पाव दिखता है। अरे ये क्या, इसमें से तो अभी मैंने वड़ा पाव निकाला था, अब इसमें दोबारा कहाँ से आ गया। शायद टिफिन में दो वड़ा पाव होंगे जो मैंने देखा ही नहीं। सानवी दोबारा से थोड़ी देर बाद उस टिफिन को खोल कर देखती है, उस टिफिन में फिर वड़ा पाव होता है। सानवी वड़ा पाव देख कर दंग रह जाती है और अपनी माँ को सारी बात बताती है। माँ देखो मैं जितनी बार भी इस टिफिन को खोल रही हूँ मुझे एक वड़ा पाव इसके अंदर मिलता है, ये कैसे हो रहा है। अरे सच में सानवी, ये वड़ा पाव तो जादू ही लगता है, जिसको जितना खर्च करो ये उतना और बढ़ जाता है। सानवी और रेखा बहुत खुश होते हैं और जी भर के वड़ा पाव खाते हैं। सानवी हमें बहुत ही अच्छी चीज मिली है, ये वड़ा पाव कभी खत्म ना होने वाले हैं। क्यों ना हम ये वड़ा पाव बेचना शुरू कर दे, जिससे हमारे बाकी के खर्चे भी पूरे हो जाएंगे। हाँ माँ आप सही कह रही हो, इतने सारे वड़ा पाव का हम क्या करेंगे, क्यों ना हम उन्हें बाकी लोगों में भी बांटना शुरू कर दें। अब रेखा और सानवी उन जादुई वड़ों से गरीब लोगों की मदद करती हैं और उन्होंने उस वड़ा पाव की दुकान लगाना भी शुरू कर दिया था। वो उससे आने वाले पैसों से अपने घर का खर्च भी चलाते थे और दूसरों की मदद भी किया करते थे। देखो ना सानवी हमारे दिन फिर बदल गए, इन वड़ा पाव से तो हमें बरकत ही बरकत हो रही है। आज हमारे पास बड़ा घर है, गाड़ी है, हम आलीशान घर में रहते हैं, अब हमें कोई दुख नहीं है। तभी एक आदमी वहाँ भागा भागा आता है तो सानवी उससे पूछती है, इतनी तेज क्यों भाग रहे हो, क्या हुआ। अरे गांव के पास जो बांध था वो टूटने वाला है, पूरा गांव खाली करने का आदेश आया है, अगर वो बांध टूट गया तो पूरा गांव का गांव उस बांध के रुके पानी में बह जाएगा। भागो भागो सानवी, तुम भी अपनी जान बचा कर भागो। अरे ये तो बड़ी मुसीबत वाली बात हो गई, गांव खतरे में है, चलो सानवी हम भी पास के गांव में चलते हैं। नहीं माँ आप रुको, उस बांध को ये वड़ा पाव ठीक कर सकता है, मुझे इस पर पूरा भरोसा है, इसने जब हमारे सारे दिन ठीक किए हैं तो अब ये मुसीबत भी जरूर ठीक कर देगा। सानवी उस जादुई वड़ा पाव को बांध के पास ले जाती है और उससे कहती है, जादुई वड़ा पाव तुमने हमेशा हमारी मदद की है, अब इस गांव को तुम्हारी मदद की जरूरत है, तुम इस बांध को टूटने मत देना, कुछ भी करो इस पानी का रुख इस गांव की तरफ ना हो पाए, जाओ वड़ा पाव। वड़ा पाव उड़ता हुआ उस बांध की ओर जाता है और अपना आकार बढ़ा लेता है, जिसकी वजह से बांध टूटने से बच जाता है और पानी का बहाव गांव की तरफ ना आकर वहीं के वहीं रुक जाता है। ये सब गांव वाले देखते हैं तो सब सानवी का बहुत बहुत शुक्रिया करके उसे बधाई देते हैं। सानवी तुमने सच में बहुत अच्छा काम किया है, तुमने गांव को बहने से बचा लिया, हम सबको तुझ पर गर्व है। सभी गांव वाले सानवी के लिए खुशी से तालियां बजाते हैं। अब सानवी और रेखा उस जादुई वड़ा पाव की सहायता से सबकी मदद करते हुए अपना जीवन व्यतीत करते हैं।